राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता अलका लामा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त देश के बड़े मुद्दा बने हुए हैं, लेकिन सरकारी ने मामले में चुप्पी साध रखी है, जिसके लिए 7 सितंबर को कांग्रेस रामलीला ग्राउंड दिल्ली से बड़े आंदोलन का आगाज करेगी, जिसमें देश भर के लोग जुटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा के नेताओं को महंगाई बेरोजगारी दिखाई देती थी और वर्तमान में दोनों ही मुद्दों से सरकार ने अपनी नजरें फेर ली हैं। राजधानी देहरादून से संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। किस केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों में एक्साइज पर ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपया गरीब मध्यम वर्गी स्कूटर बाइक चलाने वाले उनकी जेब से निकाला है। आज हम सब एक बार फिर से दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ, हम 4 तारीख को सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रामलीला मैदान में होंगे। लाखों देश का कार्यकर्ता दिल्ली राजधानी पहुंच रहा है।